कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज सूरत कोर्ट में पेशी, मोदी उपनाम टिप्पणी को लेकर दर्ज कराएंगे बयान। किसानों के हक में फिर बोले बीजेपी नेता वरुण गांधी, जब तक एमएसपी की वैधानिक गारंटी नहीं होगी मंडियों में होता रहेगा किसानों का शोषण। 2022 में अगर सत्ता में आए तो पेट्रोल पर वैट कम करेंगे, गोवा में कांग्रेस ने किया बड़ा ऐलान। टीएमसी का विधानसभा चुनाव से पहले एक और दांव, पार्टी में शामिल हुई अभिनेत्री रफीसा अली, पहली बार दौरे पर गोवा पहुंची हैं ममता बनर्जी। गृहमंत्री अमित शाह ने की बीजेपी सदस्यता अभियान की शुरुआत, मेरा परिवार बीजेपी परिवार नाम से शुरू किया अभियान, लखनऊ दौरे पर हैं अमित शाह। जल्द ही मेरी पोजीशन पर होंगी महिलाएं, बोले सेना प्रमुख नरवणे, महिलाओं के लिए एनडीए के दरवाजे खुलने के कदम की जमकर की तारीफ। पीएम केयर्स फंड की कानूनी स्थिति पर दिल्ली हाई कोर्ट में फिर टली सुनवाई, अगली तारीख 18 नवंबर को, पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इसे आरटीआई के अधीन लाने की बात। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सार्वजनिक इमारतों का नाम शहीदों के नाम पर रखने को मंजूरी दी, आजादी का अमृत महोत्सव पहल के तहत किया फैसला। दिल्ली किसान आंदोलन में शामिल 95 साल के निहंग सोहन सिख का निधन, गुरदासपुर के थे निवासी, बीमारी के चलते तोड़ा दम। दिल्ली में बढ़ रहे डेंगू के मामले, अब तक 1000 मरीजों की गई जान, बीजेपी ने शुरू किया फॉगिंग अभियान। भारत में इजराइल के नए राजदूत नाओर गिलोन ने कहा, पेगासस स्पाईवेयर सिर्फ सरकारों को ही बेचा जाता है, पेगासस भारत का आंतरिक मुद्दा। अफगानिस्तान को 14 करोड़ 4 लाख डॉलर की मदद देगा अमेरिका, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बोले, आम लोगों को फायदा होगा तालिबान को नहीं। तालिबान से बोले भारत और अमेरिका, आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह ना बने अफगानिस्तान, जैश जैसे संगठनों पर करो कार्रवाई। ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग वेन की चीन को दो टूक, कहा चीन के खिलाफ नहीं है अकेले, अमेरिका दे रहा ट्रेनिंग। फेसबुक ने बदली अपनी पहचान, अब कहलाएगी मेटा, मेटावर्स वाली दुनिया बनाने पर जोर, मार्क जुकरबर्ग ने किया ऐलान। गोदरेज ग्रुप ने बिजनेस के बंटवारे की औपचारिक प्रक्रिया शुरू की, बिजनेस को दो हिस्सों में बांटने की तैयारी, 124 साल तक ताला बनाने वाली कंपनी के तौर पर हुई थी गोदरेज की शुरुआत। शक्तिकांत दास को आरबीआई गवर्नर के रूप में मिला 3 साल का सेवा विस्तार, 11 दिसंबर 2018 को किए गए थे आरबीआई के 25वें गवर्नर के रूप में नियुक्त, खत्म होने वाला था कार्यकाल। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति खरवंदा का 31वां जन्मदिन आज, कॉलेज के दिनों से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी कृति, 19 की उम्र में मिली थी पहली फिल्म। खिलाड़ी दिनेश कार्तिक बने जुड़वा बच्चों के पापा, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर, कबीर और जयान रखा नाम। T20 वर्ल्ड कप 2021 में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में हार्दिक पांड्या को लेकर बना संशय, हार्दिक की जगह शार्दुल ठाकुर कर सकते हैं डेब्यू।